साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर लर्न में। दोस्तों अभी अभी डॉक्टर राम मनोहर लोहियावाद विश्वविद्यालय से एक नोटिस निकल के आया है, आज हम इसी नोटिस के विषय पे बात करेंगे। नोटिस का विषय है दसवीं उत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के ऑनलाइन आवेदन पत्रों में आधार प्रमाणीकरण हेतु निर्धारित 3 बार से अधिक सुविधा प्रदान किए जाने तथा स्पेलिंग संबंधी त्रुटि को जन पदीय लंघन से सत्यापित किए जाने के संबंध में अधिसूचना। तो आज हम इसी विषय पे बात करेंगे और आज जो हम बताने वाले हैं 2 नोटिस बताने वाले हैं। पहला नोटिस तो ये जो मैंने अभी विषय बताया है और दूसरा नोटिस जो है आप लोगों के फीस को लेकर के नोटिस है। तो आज हम इस वीडियो में दोनों नोटिस को पढ़ करके बताने वाले। आज का नोटिस जो है आप सभी छात्रों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण नोटिस है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। नोटिस में क्या बताया गया चलिए हम बताते हैं। इससे पहले कि दोस्तों जिन लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि रामलो यूनिवर्सिटी से कोई भी लेटेस्ट अपडेट न्यूज आए वो आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं नोटिस। देखिए यहाँ पे नोटिस जो है 3/11/2020, ये नोटिस 3/11/2020 का है। इसमें बताया जा रहा है सेवा में विभाग अध्यक्ष निर्देशक प्राचार्य प्राचार्य समस्त विभाग पाठ्यक्रम आवासीय परिसर तथा समृद्ध समस्त महाविद्यालय संस्थान डॉक्टर राम मनोहर लोहियावाद विश्वविद्यालय अयोध्या, विषय हमने पढ़ करके आपको बताया है। महोदय महोदया, उपयुक्त विषयक जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी अयोध्या के संलग्न पत्र संख्या 205/पिछड़ा वर्ग कल्याण 57/2020 दिनांक 21/10/2020 तथा तत्क्रम में निर्देशक पिछड़ा वर्ग कल्याण उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या 21/18/पिछड़ा वर्ग कल्याण 2020-21 दिनांक 20/10/2020 निर्देशक समाज कल्याण उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या C/1875/संख्या क्रमांक शिक्षा A/3/96/11/Y 2020-21 दिनांक 19/10/2020 के पत्र अनुसार अवगत कराया गया है कि छात्रवृत्ति आवेदन पत्र पर आधार नंबर ऑनलाइन वेरिफिकेशन के उपरांत ही सबमिट किए जाने की व्यवस्था के क्रम में छात्रों को 3 अवसर प्रदान किए गए थे। प्रातः संज्ञान में आ रहा है कि छात्र आवेदन करते समय पूर्ण सावधानी नहीं बरत रहे हैं जिससे आवेदन पत्र सबमिट करने में कठिनाइयां आ रही है, जिसके दृष्टिगत निदेशालय समाज कल्याण द्वारा प्रथम 3 अवसर समाप्त होने के उपरांत पुनः 3 दिन 72 घंटे के पश्चात 3 अतिरिक्त अवसर ही मिलेंगे तथा नवीनीकरण के आवेदन पत्रों में स्पेलिंग की गलती को सही करने के पश्चात छात्र छात्राओं को जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कार्यालय को अभिलेख उपलब्ध कराने की आवश्यकता है ताकि अभिलेख सही होने की दशा में सही अभिलेख अपलोड करते हुए सत्यापन किया जा सके एवं सही नाम से आधार प्रमाणीकरण किया जा सके। अतः आपसे अनुरोध है कि उपयुक्त सूचना जानकारी छात्र छात्राओं को अवगत कराने के साथ ही नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराए ताकि छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति आवेदन करने में कठिनाइयां ना हो। तो ये देखिए कहा गया था वो उमा नाथ के द्वारा जो कि यूनिवर्सिटी के कुल सचिव है उनके द्वारा कहा गया था। नीचे प्रतिलिपि में बताया गया है प्रोग्रामर EDP को इस आशय से प्रेषित की उक्त पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट तथा अयोध्या जनपद के समस्त महाविद्यालय को लॉगिन पर अपलोड कराने का कष्ट करें। तो ये प्रतिलिपि भी जो बताया गया है वो यूनिवर्सिटी जो कुल सचिव उमानाथ है उन्हीं के द्वारा बताया गया है। तो इसमें आपको ये कहा जा रहा है कि आप लोगों के छात्रवृत्ति आवेदन और आधार नंबर जो ऑनलाइन वेरिफिकेशन के उपरांत सबमिट किए जाने की व्यवस्था के क्रम में छात्र के 3 अवसर प्रदान किए गए थे, लेकिन 3 अवसर में कुछ छात्र जो है लापरवाही किए और उसकी पूरी सावधानी नहीं बरते जिससे कि आवेदन पत्र सबमिट करने में कठिनाइयां आ रही है अभी यूनिवर्सिटी में, जिसके दृष्टिगत निर्देशालय समाज कल्याण द्वारा प्रथम 3 अवसर समाप्त होने के उपरांत भी 3 दिन यानी कि 72 घंटे 3 अतिरिक्त अवसर ही मिलेंगे, यानी कि अभी भी आपको 3 दिनों के अवसर मिले हैं। आप जल्दी से उसमें जो भी है नवीनीकरण के आवेदन पत्रों में स्पेलिंग की गलती को सही करने के पश्चात छात्र छात्राओं के जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कार्यक्रम के अभिलेख उपलब्ध कराने की आवश्यकता है उसमें, तो इसलिए ताकि अभिलेख सही होने की दशा में सही अभिलेख अपलोड करते हुए सत्यापन किया जा सके एवं सही नाम से आधार प्रमाणीकरण किया जा सके, यानी कि आप लोग वहाँ पे जल्दी से सब कुछ सही करना है तभी आप लोगों के जो है सही नाम के आधार पर प्रमाणीकरण किया जा सकता है। तो पहला नोटिस तो ये था और दूसरा नोटिस मैं आपको बताने वाली हूँ। ये नोटिस जो है 2 तारीख का है, देखिए 2/11/2020 इसी साइट पे आज ही अपलोड किया गया है।
तो इस नोटिस में बताया जा रहा है आप लोगों को कि कृपया अवगत कराना है कि दिनांक 21/9/2020 को सभी संकाय अध्यक्ष, विभाग अध्यक्ष, समन्वयक निर्देशक की संपन्न बैठक में आवासीय परिसर में संचालित पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले इच्छुक छात्र छात्राओं से निर्धारित शुल्क की 7% धनराशि प्रवेश के समय तथा 40% धनराशि द्वितीय किस्त के रूप में जमा करने का निर्णय लिया गया है। अतः आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि कृपया तदनुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें। तो ये जो कहा गया था ये भी यूनिवर्सिटी के कुल सचिव के द्वारा कहा गया है। इसमें प्रतिलिपि में बताया गया है, नंबर पॉइंट नंबर 4 आप लोगों के इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसमें देखिए टिक भी लगाया गया है। इसमें बताया गया है ADP प्रोग्रामों को इस आशय से प्रेषित के तदनुसार पोर्टल पर संशोधन कराए, यानी किसे संशोधन करवाने के लिए कहा जा रहा है। इसमें आप लोगों को कहा जा रहा है कि निर्देशक की समन्वय बैठक के अनुसार जो पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले इच्छुक छात्र छात्राएं हैं उनके निर्धारित शुल्क जो है 60% धनराशि प्रवेश के समय लिया गया तथा 40% धनराशि द्वितीय किस्त के रूप में जमा करने का निर्णय लिया गया है। तो ये नोटिस भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट था, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया है। अगर आप ये नोटिस को खुद से पढ़ना चाहते हैं तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF का लिंक दे रहे हैं, आप वहां से जा करके खुद से पढ़ सकते हैं अच्छी तरह से। दोस्तों अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस ना भूले, ताकि रामू यूनिवर्सिटी से कोई भी लेटेस्ट अपडेट न्यूज है वो आप तक पहुंचते रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।